नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। मैनपुरी के विधायक व पर्यवेक्षक राम नरेश अग्निहोत्री की देखरेख में भाजपा पार्षद दल का हुआ गठन। कैंपियनगंज के मखनहा गांव में चौपाल लगाकर जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने महिला चेतना उपवन एवं महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने की किया घोषणा। वेतन बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आशा बहुओं ने निकाला जुलूस, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। निर्माणाधीन एम्स के कार्यों की डीएम ने की समीक्षा, कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। गोरखपुर राजस्व संग्रह अमीन संघ का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार रहा जारी। गंगोत्री देवी महिला पीजी कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्राओं का मतदाता सूची में जोड़ा गया नाम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में छात्र छात्राओं को संगीत के विविध आयामों की दी गई विस्तृत जानकारी। मुसाफिरखाने में बीती देर रात लगी आग, मुसाफिरखाने में ठहरने वालों का 20 साल पुराना रिकॉर्ड जलकर हुआ खाक। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में शास्त्री चौराहे पर चलाया गया जागरूकता अभियान, हेलमेट लगाकर और सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलने वालों को चॉकलेट देकर किया गया उत्साहवर्धन। रोहित वेमुला की बरसी पर पूर्वांचल सेना ने की श्रद्धांजलि सभा। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ शिल्प मेला, एक ही प्रांगण में सिमटा पूरा भारत। औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 21 और 22 फरवरी को आयोजित होगा इन्वेस्टर्स समिट 2018। गोरखपुर महोत्सव के शिल्प मेले का हुआ समापन, पुरस्कृत किए गए प्रदर्शनी लगाने वाले कई संस्थाएं। और मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में एडीएम सिटी कार्यालय में आम जन दर्ज करा सकते हैं अपना बयान। अब समाचार विस्तार से। सिविल लाइन स्थित एक होटल में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मैनपुरी के विधायक व पर्यवेक्षक राम नरेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में पार्षद दल का गठन किया गया, जिसने उपनेता पार्षद ऋषि मोहन वर्मा, मुख्य सचेतक पार्षद अजय राय, सचेतक पार्षद चंद्रशेखर सिंह और पार्षद आरती देवी तथा कोषाध्यक्ष पार्षद राजू तिवारी सर्वसम्मति से चुने गए। इस मौके पर उपस्थित महापौर व पार्षदों ने चुने गए सभी पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर उन्हें बधाइयां दी। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मैनपुरी के विधायक व पर्यवेक्षक राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा, बगल में जाइए, बगल बगल उधर जाइए। नारायण जी, शिक्षक जी, और इस बैठक में सर्वसम्मति से उपनेता, मुख्य सचेतक, दो सचेतक और एक कोषाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। और ये सभी नाम हमारे सभी सम्मानित पार्षदों ने सर्वसम्मति से तय किए। मुख्य सचेतक, सचेतक और कोषाध्यक्ष अन्य पदों पे कौन कौन नियुक्त किया गया?
मोहन वर्मा जी, मुख्य सचेतक अजय राय जी, सचेतक चंद्रशेखर सिंह जी, सचेतक श्रीमती आरती सिंह जी, कोषाध्यक्ष राजेश तिवारी जी और उप सभापति के लिए भी सर्वसम्मति से जो नाम तय हुआ जितेंद्र सैनी जी का, वो कार्यकारिणी में उसका विधिवत निर्वाचन बाद में होगा। कैंपियरगंज के मखनहा गांव में जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने महिला चेतना उपवन एवं महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने की घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर बारात घर बनाया जाए तथा संपर्क मार्ग का भी निर्माण कराया जाएगा। शीतकालीन भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने इस गांव में तथा आसपास के गाँव के लोगों को लगभग 350 कंबल वितरित किया। उन्होंने कहा कि गांव में बाढ़ के दौरान मैं कई बार आया था, मैं यहां की समस्या से वाकिफ हूं। लगभग 1000 एकड़ भूमि जो बरसात में जलमग्न हो जाती है की सुरक्षा की जाएगी। लघु सिंचाई विभाग यहां नाला बनवाने के लिए एस्टीमेट तैयार करेगा। गांव के पोखरे को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीतकालीन भ्रमण का उद्देश्य लोगों को विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी देना है तथा गांव में चल रहे विकास कार्यों के बारे में ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर दी हैं, उसे संबंधित विभाग एक सप्ताह में कार्यवाही कर ग्राम प्रधान के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़कर गोरखपुर में ही ठंड का प्रकोप अधिक है, लेकिन ये किसानों के लिए फायदा है कि गेहूं की फसल अच्छी होगी। ठंड से बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है तथा आपको पूरी गुणवत्ता व लंबा चौड़ा कंबल दिया जा रहा है। इस चौपाल में CDO अनुज सिंह, ADM प्रशासन प्रभुनाथ, जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्त ऋषि, प्रमोशन अधिकारी सरजीत सिंह, उद्यान अधिकारी बलजीत सिंह, आपूर्ति अधिकारी आनंद सिंह, सहायक अभियंता लघु सिंचाई रविंद्र सिंह, DPRO हिमांशु ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दिया। इस अवसर पर अमित सिंह सोनी, सूर्यनारायण सिंह, पीपीगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष गंगा प्रसाद जायसवाल, नाल निषाद, साकेत यादव, रमेश एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वेतन बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा के बैनर तले आशा कार्यकर्त्रियों ने बुधवार को नगर निगम से जुलूस निकाला। ये जुलूस कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए शास्त्री चौराहा पहुंचा, जहां सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव ने आशा बहुओं से मुलाकात कर उनका ज्ञापन लिया। जुलूस के दौरान आशा कार्यकर्तियों हाथों में बैनर लिए नारेबाजी करती नजर आईं। आशा बहुओं ने ज्ञापन के माध्यम से आशा बहुओं को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह दिए जाने, CHC, CSC एवं PSC केंद्रों और जिला अस्पताल में आशाओं के ठहरने के लिए विश्राम रूम की व्यवस्था किए जाएँ, आशाओं को प्रशिक्षण हेतु अस्थायी व्यवस्था किए जाने, आशा बहुओं के आकस्मिक निधन पर परिजनों को 1,00,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने सहित कई अन्य मांग की। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव, आशिया खातून, सुशीला सिंह, संगीता सिंह, कंचन सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चंदा यादव ने कहा, Yeah.
मेरा बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वहाँ मंदिर पर भी मिले। दीदी हमारी मौजूद है और इतनी काफी संख्या में जो ईश्वर भाव है महिला थाने की शांति सिंह दीदी और इनके साथ इतने संख्या में हम लोग मंदिर पर भी गए और दो चार लोग अकेले भी गए। फिर भी महाराज जी यही कहते हैं कि आप लोगों का कुछ करेंगे। बस ऐसे करते करते 120 दिन गए, 50 दिन हो गए। हम कहते हैं कि अगर आप एक प्रदेश में और केंद्र में अगर हम आशा बहुओं के लिए वेतन देने के लिए बजट न हो तो जो प्रोत्साहन हमको आप दे रहे हैं 2000 चाहे 3000 4000 जो भी दे रहे हैं एक नियमित उसको वेतन निकल दीजिए हम वही ले लेंगे। अगर एक हफ्ते और 10 दिन के अंदर ये कोई काम अंदर हो नहीं पाएगा और हमारी आशा बहने एकदम लगातार करने पर बैठ जाएंगे काम पर। या तो हमको ये निर्धारित कुछ वेतन कर दे या तो हमको हटा दे, ये अपना काम करवा ले, हम इसने के लिए तैयार हैं। आपकी जब मांग पत्र है वो सक्षम जहां आपने लिखा है वहां पहुंचा जी। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जिले के अधिकारी हैं, हम तो इनसे मिल चुके हैं लेकिन कोई काम होता है, कोई धरना प्रदर्शन होता है तो हमारे डीएम साहब कहते हैं कि जल्दी से काम करवाइए, सिम्बो साहब कहते हैं जल्दी से काम करवाइए, तो इसलिए हम आपके दरवाजे पर आए हैं कि जब हम काम हमसे आप करवा सकते हैं तो हमारी बात को भी आप पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारा आपसे यही अनुरोध है और हमारा ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई हमको सूचना मिल जाती है तो आगे हम अपना आंदोलन नहीं करेंगे, अब नहीं तो फिर सर हमारा आंदोलन 10 दिन के बाद जो है शुरू हो जाएगा। हम वही सूचना आपको हम दे देंगे। हम लोग जो है काफी दिन से आशा बहुओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमको सरकार जो है प्रोत्साहन पर एक मजदूर के रूप में मजदूर की जो मजदूरी मिलती है वो भी हमको नहीं दिया जाता है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो सरकार हमको प्रोत्साहन दे रही है 2006 से प्रोत्साहन पर रखी है तो हम महिला हैं और हमारे पास बच्चे हैं परिवार हैं, आज 200 रुपए में और 100 रुपए में कैसे हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। अभी आप सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात की है, क्या मांग रखी है और क्या आश्वासन मिला आपको? हम उनसे यही मांग रखे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हम मंदिर पर मिल चुके अपना ज्ञापन दिए, वो बस यही आश्वासन देते हैं कि हम आपके मांग को पूरा करेंगे लेकिन हम इसलिए ये रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उनको हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो हमारी मांग है आप अपने द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि अगर ये हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं करते हैं तो फिर हम आगे हंगामी 10 दिन के बाद जो है 10 दिन का समय हम दे रहे हैं, इसके बाद हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा, फिर हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे। एम्स निर्माण की प्रगति की समीक्षा बैठक बुधवार को जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए मोतीराम अड्डा में 500 MVA का ट्रांसफार्मर लगाने का काम, बाउंड्री निर्माण का कार्य पूरा किए जाने सहित अन्य कार्यों की क्रमवार समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य अभियंता विदित ने बताया कि 240 MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर हटाकर 500 MVA का ट्रांसफार्मर लगाने का काम पूरा कर लिया गया है, जिससे एम्स के अलावा अन्य जनपदों में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने बाउंड्री वॉल के निर्माण सहित एम्स के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को कार्य को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभु नाथ, विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता PN उपाध्याय सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। वो भी हम हटा देंगे, उसकी ग्रिड वगैरह बन के तैयार है और ट्रांसफार्मर को केवल निकाल के लाइफ को इस पर इधर शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, DGME से आपको धन मिला? नहीं मिला, वो फाइल वित्त में गया। हमारा पैसा भी हम शिक्षा विभाग से हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, वही बता रहे हैं आपकी वित्त में है। आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है,
दिक्कत इस बात की है ना, शिक्षा बात करो मैंने सर पूरा खाली कर दिया, लेकिन सर दोस्तीकरण का अभी तक इनका भैया फाइल बना के दो, उसमें जितने लेटर्स मैंने लिखे हैं दस्तीकरण के लिए विभिन्न तारीखों वो उसको लगा दीजिएगा, और कल 5:30 बजे मीटिंग है उसके हिसाब से मैं निकलूंगा, तो वो फाइल शाम को आ जाने चाहिए मेरी कोशिश तैयार हो। इसमें और अगला सर गन्ना विकास गन्ना अभी क्या बताया गया, तो कोई असिस्टेंट टाइप का आया हुआ है क्या, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी आप लोग शिफ्ट करना था वहाँ पर पुराने शुगर मिल में अभी बताया बात हो गई थी राणा, हाँ राणा जी बाहर है सर, वहाँ पर शाहजहांपुर में है सर। गोरखपुर राजस्व संग्रह अमीन संघ का 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार बुधवार को भी तहसील सदर में जारी रहा। अमीन संघ के पूर्व जिला मंत्री हरिनाथ यादव की अध्यक्षता में चल रहे इस आंदोलन में 11 सूत्रीय मांग की जा रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि हमारी मांगें यदि पूरी नहीं की गई तो हम आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। धरने में अमरीश त्रिपाठी, अशोक श्रीवास्तव, फहीम खान, दीप चंद पांडे, चंद्र प्रकाश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसील अध्यक्ष योगेंद्र चौबे ने बताया तक निष्कर्ष निकला। अभी तक प्रातिनिधित्व के निर्देश के क्रम में प्रातिनिधित्व के निर्देश के क्रम में आज दूसरे दिन का धरना अनवरत जारी है। जैसा कि अभी तक प्रदेश सरकार के लोग, प्रदेश सरकार के मुखिया ने कोई संज्ञान नहीं लिया, हमारा धरना निरंतर आज दूसरे दिन अनवरत चल रहा है, कार्य बहिष्कार चल रहा है, जिसमें अरबों रुपए की उत्तर प्रदेश में राजस्व की क्षति हुई है। सरकार यदि हमारी मांगों को लेकर सही तरीके से उसकी सुनवाई नहीं की तो सारी इसका परिणाम बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। कब तक जारी रहेगा आपका आंदोलन? यह अभी तक तो प्रांत के निर्देश के क्रम में 3 दिवसीय धरना है, अभी कल यह धरना चलेगा, उसके बाद प्रांतीय नेतृत्व का जो भी निर्देश आएगा तो निर्देश के क्रम में उनके निर्णय का पालन किया जाएगा। गंगोत्री देवी महिला पीजी कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार सदर विनोद कुमार सिंह, प्राचार्य डॉक्टर सुष्मिता, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, प्रत्या उपाध्याय, देवंती मिश्र, उदय राज, अशोक भारती, मधुबाला सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मतदान सबका मौलिक अधिकार है, इस अधिकार को प्रयोग कर सरकार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस मौके पर शिविर लगाकर छात्राओं का नाम मतदाता सूची में अंकित किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर विनोद कुमार ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा युवा निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए चलाए गए अभियान के अंतर्गत युवाओं की बदलती विचारधारा को एक नया आयाम देने का प्रयास किया गया है। आप सभी Thank you.
आगे आइए मैडम, और आगे पीछे और उधर और उधर और उधर। चलो कोई और वहाँ करो, दस और आ जाओ। निर्वाचन आयोग द्वारा एक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्गत किया गया है, उसके तहत हमको जो 18 साल के जो हमारे बच्चे और बच्चियां हो गई हैं उनको मतदाता बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग प्रत्येक कॉलेजों में जा जा करके बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और उनको मतदाता बनाने का कार्य करते हैं, ताकि आने वाले निर्वाचनों में वो अपने मतों का प्रयोग कर सकें। इसी उद्देश्य के तहत आज हम लोग इस विद्यालय में आए हुए हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के तहत बुधवार को ललित कला के लयात्मक तत्व सौंदर्य के परिपेक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ललित कला विभाग के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में अलीगढ़ से आई प्रशिक्षिका डॉक्टर ब्रिज रानी शर्मा ने छात्र छात्राओं को संगीत के विविध आयामों की विस्तृत जानकारियां दी। इस अवसर पर विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर अजय शुक्ला सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। फाइन आर्ट के या दूसरे विषय के भी विद्यार्थी या जानकारी हासिल करने वाले संगीत प्रेमी यहाँ उसका लाभ उठा पाएंगे। मैं डॉक्टर ब्रिज रानी शर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे बच्चों को कुछ बारीकियाँ दे सके, तबले के बारे में जानकारी दे सके, तो हमारा विभाग धन्य होगा। मैं इस वर्कशॉप का रखा गया है कि ललित कला के में लयात्मक सौंदर्य, लय से हम सौंदर्य कैसे उत्पन्न कर सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज है जो सब चीज को विधिवत रखे हुए है, वो है लय, गति। जरा सा भी गति में अगर कुछ परिवर्तन हो गया, 19-20 हो गया है, तो वो प्रलय सा आने लगता है इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में। तो लय ही है जो सबको एक नियम है, सुचारू रूप से निरंतर का प्रवाह जो देती है वो लय है। तो इतना सुंदर विषय वर्कशॉप के लिए, कार्यशाला के लिए चुना गया, जो कि हम सब संगीत प्रेमियों को, कला प्रेमियों को प्रभावित करता है और इस विषय में व्याख्या होना आवश्यक भी है। कब जलूंगा इसकी कब, देखिए बेटा संगीत क्या है ये हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे, उसके बाद हम तबले के बेसिक आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि विभिन्न कलाओं में जिसको हम प्रस्तर गायन शैलीकंठ के माध्यम से, अनेक वस्तुओं के माध्यम से, कास्ट के माध्यम से हम प्रयोग करते हैं विभिन्न कलाओं को, जो कि हम मूर्त रूप देते हैं इन माध्यमों के आधार पे, उसी तरह संगीत कला को भी हम नाद के द्वारा मूर्त रूप देते हैं। किसी भी कला, कोई भी कला तब सजीव होती है जब उसमें
भाव उत्पन्न होते हैं और भाव उत्पन्न तभी होंगे जब उसकी उसका प्रवाह निरंतर होगा। जैसे कि आपने कल हमने यहाँ पर वर्कशॉप अटेंड की और इतने विद्वान हमारे कलाकार यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने थोड़े से समय में इतनी खूबसूरत पेंटिंग हमारे समक्ष रखी। उनकी सामंजस्य नहीं स्थापित करते हैं अपनी तुलिका के द्वारा और कहीं पर भी ऐसा होता है जो निरंतरता भंग होती है या असमायोजन होता है तो वो कला जो है वो शून्य हो जाती है। तो ये जो लय है जो लय जो लय का जो प्रवाह है वही हमारे सौंदर्य को उत्पन्न करने में उसी की बहुत आवश्यकता होती है। जहां तक संगीत की बात है तो यहाँ कोई भी भूमिजन इसको मैं आपके बच्चों ऐसे समझाती हूँ कि कोई भी कलाकार एक घंटे दो घंटे चार घंटे कितने भी समय का अपना डेमोंस्ट्रेशन देता है और बिल्कुल तरीके से देता है बिल्कुल सम पे सम मिलता है। अब आपको पता नहीं होगा क्योंकि जो म्यूजिक के बच्चे नहीं है कि सम क्या है, मतलब ये जहाँ पर उसको ठहरना चाहिए वही ठहर रहा है। कला या अन्य कलाएं हमारी हैं जो चल रही हैं जो हमें सौंदर्य की का अनुभव कर अनुभूति करा रही है उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट तत्व लय है। ये ब्रह्मांड ये सारी विश्व का जन्म कब इसकी मृत्यु हुई होगी किसी को पता नहीं है। कभी आप बता सकते हैं कि हमारे इस विश्व का निर्माण किस सन संबंध में हुआ नहीं बता सकते। इसी तरह संगीत भी जो है ये जन्म से ही इसका कब जन्म हुआ नहीं पता, ये सृष्टि से ही हमको ये संगीत का उदय हुआ है सृष्टि से ही हमने संगीत को पाया है। पुलिस लाइन रोड स्थित मुसाफिर खाना के कार्यालय में बीती देर रात आग लग गई। इस आगजनी में मुसाफिरखाने में मुसाफिरों के आने जाने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुसाफिरखाने के सह प्रभारी वसीम अहमद ने कहा कि इस आगजनी में रिकॉर्ड के साथ लगभग 1,00,000 रुपये का अन्य सामग्री भी जलकर खाक हो गया है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना अग्निशमन दल को दे दी गई है जिसके कुछ देर बाद दल के मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया गया लेकिन तब तक रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया था। चर्चा के अनुसार घटना स्थल पर मौजूद लोग इस आगजनी को संदिग्ध मान रहे हैं। पीछे आओ तो हम तुमको लाइट दे दें। पानी से तो मार देता है अरे हो गया है। रहा है। वो तो घुमाने वाला है 20 साल का जल गया पूरा अब रहता नहीं है वो रिकॉर्ड पूरा जल गया। असल तो रिकॉर्ड रहता है ना वो पूरा रिकॉर्ड में चल गया। क्या नाम आपका? वसीम खान। थोड़ा सा अंदर ना चलिए अंदर चलिए दिखाते हुए तो ये उंगली नहीं ये दिखाओ पहले तू उधर देखिए उधर उधर अरे हमारे वहाँ जानते हैं क्या है अबे हम जो कह रहे हैं वो बनाओगे तो छपेगा क्या यंत्र भी अग्नि दोनों दोनों उठाओ ना दोनों हाथी रुमाल इसी से बुझाया गया है आग इसी से उठाया हम लोग थोड़ा थोड़ा घूम जा करके आग घटना हुआ देर रात जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है जिसकी वजह से रखा हुआ सारा जो है पुराना रिकॉर्ड 20 साल का पुराना रिकॉर्ड वगैरह कितने साल पुराना रिकॉर्ड था 20 साल अच्छा इस रिकॉर्ड में क्या क्या था जी रिकॉर्ड में जैसे यहाँ के जो है दस्तावेज थे और जो मुसाफिर खाने ठहरते हैं लोग उनके जो है रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है ठहरने का वो सारे जल के राख हो गए हैं। कैसे आग को काबू में पाए गए रात को जो है जानकारी दी गई थी अगल बगल के लोगों से जो है सहयोग से उसको
और काफ़ी समय से जो है उसको काम पाया है। कितना नुकसान हुआ है लगभग? लगभग कम से कम 1,00,000 रुपये नुकसान हुआ है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चले? हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चल गया सारे। ठीक। यातायात के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए यातायात विभाग की तरफ से हर रोज नए पहल किए जा रहे हैं। इसके तहत एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को शास्त्री चौराहे पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान एसपी ट्रैफिक व टीम के अन्य सदस्यों ने बिना हेलमेट और चार पहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों को रोक कर उन्हें जागरूक किया गया। इस दौरान जो लोग हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट बांधकर वाहन चला रहे थे उन्हें चॉकलेट देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक ने कहा, ये क्योंकि दंडात्मक कार्रवाई अलग होती है और एक जागरूकता वाली कार्रवाई है, तो हम लोगों ने इस बार ये किया है कि जैसे हेलमेट नहीं लगाए तो हम लोग कार उसके मोटरसाइकिल या स्कूटर के ऊपर हम लोग चिपका देते हैं ये, कि जैसे ये लिखा हुआ सीट बेल्ट का लिखा हुआ है, सीट बेल्ट के बाद आगे हम गाड़ी डैशबोर्ड के पास हम चिपका देते हैं, ड्राइवर अपना इसको पढ़े और सीट बेल्ट लगाए। इसी तरीके से हेलमेट वाला भी है,
हेलमेट वाला भी ये है कि हम लोग हेलमेट के लिए लोगों को चिपका देते हैं कि आदमी पड़ेगा गाड़ी पे स्टार्ट करने के पहले वो हेलमेट पहनेगा, इसलिए ये जो है इस तरीके हम लोग उसको चालू कर रहे हैं। ये एक नई प्रकार की पहल है क्योंकि स्ट्राइक एट द रूट वाला है सिस्टम, ये कि आदमी बैठे तुरंत देख ले ये लिखा हुआ है तो पहनने की कोशिश करेगा, अगर बिल्कुल जागरूक टाइप का आदमी नहीं है तो नहीं करेगा, तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान है, अन्यथा ये जो है सुधारात्मक प्रावधान है। तो कुछ लोग जागरूक भी है हेलमेट पहने, उनके लिए आप कुछ विशेष भी कर रहे हैं? उनके लिए हम लोग जो चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, देखिए ये चॉकलेट है, चॉकलेट इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये चॉकलेट जस्ट प्रतीक है किसी कार्य का, कि आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपका फल मीठा होता है, ये उसका प्रतीक है, ये नहीं कि सबको हम चॉकलेट ही बांटते रहेंगे, लेकिन अच्छा कार्य करने का अच्छा प्रतीक है। दलित छात्र रोहित वेमुला की बरसी पर बुधवार को उसकी याद में पूर्वांचल सेना के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अंबेडकर चौराहे पर किया गया। इस मौके पर रोहित वेमुला के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से सेना के धीरज कुमार, पवन कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि आज के ही दिन 2 वर्ष पूर्व ही रोहित वेमुला की संदिग्ध परिस्थितियों में हैदराबाद विश्वविद्यालय में मृत्यु हो गई थी। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत ही शिल्प मेले का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के ही प्रांगण में किया जा रहा है। शिल्प महोत्सव में भारत के अलग अलग राज्यों से आए दुकानदार अपने सामानों के साथ प्रदर्शनी में शामिल हो गए, जिसमें कश्मीरी शाल से लेकर लेदर से बने हुए बैग, जूते आदि शामिल हैं। इस शिल्प मेले में हर प्रकार के परिधान जो भी भारतीय संस्कृति की पहचान है उपलब्ध हैं। एक ही प्रांगण में विभिन्न प्रकार के साजो सामानों को पाकर ग्राहक सहज ही इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेना है बाबू जान लोग सही लगाना है। हाँ तो लास्ट पर सब खरीद लो, हमारे गोरखपुर में है यार, तब हम 26 शासन द्वारा औद्योगिक वातावरण को सुगम, सुदृढ़ एवं अनुकूल बनाए जाने के उद्देश्य से 21-22 फरवरी 2018 को लखनऊ यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 का आयोजन किया जाएगा। जनपद के समस्त नागरिकों को अवगत कराया जाता है कि जो इस समिट में सहभागिता के इच्छुक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही जो उद्यमी जनपद में निवेश के इच्छुक हैं वे वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रस्तावित निवेश से शासन को अवगत कराना का कष्ट करें। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत शिल्प मेला का बुधवार को समापन हो गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव टीम वर्क का आयोजन था, सभी अधिकारी एवं इससे जुड़े लोगों ने अपनी पूरी मेहनत से कार्य करके महोत्सव को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि महोत्सव को कराने में कई चुनौतियां थीं, परंतु सबके सहयोग से आसानी से चुनौतियों का सामना किया गया और महोत्सव को अच्छे ढंग से सम्पन्न कराया गया। कमिश्नर इसके लिए पुलिस प्रशासन, आयोजन समिति, प्रायोजकों, मीडिया एवं इससे जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। इस दौरान महोत्सव में बेस्ट क्राफ्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार सेवा संस्थान गोरखपुर को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार विकास चौरी चौरा टेराकोटा तथा तृतीय पुरस्कार उस्मान सहारनपुर उडकालीन को दिया गया। इसी प्रकार बेस्ट डिस्प्ले के लिए दीनदयाल वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर को प्रथम जेम्स एंड ज्वेलरी, द्वितीय पुरस्कार पटाया पंजाब के जगदीश गिरी को फुलकारी सूट, तृतीय पुरस्कार दीपक दिल्ली
पिचवर्क्स बेस्ट सेल के लिए सुरेंद्र पाल हरिद्वार उत्तराखंड शाल सदरी को प्रथम, द्वितीय विजेंद्र कुमार झांसी हैंडलूम बेडशीट, तृतीय पुरस्कार सुमित कुमार रुड़की शाल को दिया गया। इसी प्रकार ट्रेड फेयर में बेस्ट डिस्प्ले के लिए एहसान एग्रो वुड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को प्रथम, शिव आयरन वर्क्स को द्वितीय तथा राज आई हॉस्पिटल को तृतीय पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी में कृषि एवं इको टूरिज्म को प्रथम, सूचना विभाग की स्वामी विवेकानंद की प्रदर्शनी को द्वितीय तथा NDRF की प्रदर्शनी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। कमिश्नर ने प्रायोजक एवं अन्य लोगों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध सत्यार्थ पंकज, अपर आयुक्त न्यायिक एवं अपर आयुक्त प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। अपर जिलाधिकारी नगर ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 8 जनवरी को हुई अग्निकांड से संबंधित जांच के लिए जिलाधिकारी द्वारा उन्हें नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति साक्ष्य बयान देना चाहता है वे उनके कार्यालय में 21 जनवरी तक कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। मैनपुरी के विधायक व पर्यवेक्षक राम नरेश अग्निहोत्री की देखरेख में भाजपा पार्षद दल का हुआ गठन। कैंपियनगंज के मखनहा गांव में चौपाल लगाकर जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने महिला चेतना उपवन एवं महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने की किया घोषणा। वेतन बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आशा बहुओं ने निकाला जुलूस, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। निर्माणाधीन एम्स के कार्यों की DM ने की समीक्षा, कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। गोरखपुर राजस्व संग्रह अमीन संघ का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार रहा जारी। गंगोत्री देवी महिला PG कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्राओं का मतदाता सूची में जोड़ा गया नाम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में छात्र छात्राओं को संगीत के विविध आयामों की दी गई विस्तृत जानकारी। मुसाफिर खाने में बीती देर रात लगी आग, मुसाफिर खाने में ठहरने वालों का 20 साल पुराना रिकॉर्ड जलकर हुआ खाक। SP ट्रैफिक के नेतृत्व में शास्त्री चौराहे पर चलाया गया जागरूकता अभियान, हेलमेट लगाकर और सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलने वालों को चॉकलेट देकर किया गया उत्साहवर्धन। रोहित वेमुला की बरसी पर पूर्वांचल सेना ने की श्रद्धांजलि सभा। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ शिल्प मेला, एक ही प्रांगण में सिमटा पूरा भारत। औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 21 और 22 फरवरी को आयोजित होगा इन्वेस्टर्स समिट 2018। गोरखपुर महोत्सव के शिल्प मेले का हुआ समापन, पुरस्कृत किए गए प्रदर्शनी लगाने वाले कई संस्थाएं। और मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में ADM सिटी कार्यालय में आम जन दर्ज करा सकते हैं अपना बयान। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।